नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बुलंदशहर की खबर से करेंगे, जहां जहरीली शराब से चार लोगों की मौत का मामला सामने आया है। जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत हो गई है। थाना प्रभारी, हल्का इंचार्ज और चौकी प्रभारी इस मामले में निलंबित किए गए हैं। तो SSP ने कार्रवाई कर तीनों को निलंबित कर दिया। सिकंदराबाद थाने की जीतागढ़ी गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत हो गई। और इस घटना के बाद SSP ने थाना प्रभारी, हल्का इंचार्ज और चौकी प्रभारी पर कार्रवाई करते हुए तीनों को निलंबित कर दिया। तो तीन लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वही घटना के बाद से शराब माफिया कुलदीप फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत, और इस मामले में कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी, हल्का इंचार्ज और चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजू हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। राजू, क्या मामला बताया जा रहा है, जानकारी दीजिए। यहाँ सबसे पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब की बात करें, पूर्व में लखनऊ की बात करें, या फिर खोजा की बात करें, या बुलंदशहर की जो आज ताजी घटना की बात करें, जिसमें चार शराब पीने से चार लोगों की मौत हो गई। और मामले में पुलिस की लापरवाही मानते हुए थाना प्रभारी की अगर बात करें, दीक्षित कुमार त्यागी को, हल्का इंचार्ज और चौकी प्रभारी अनोखी पूरी को निलंबित कर दिया गया है। SSP संतोष कुमार सिंह ने कार्रवाई करते हुए तीनों को तत्काल किया निलंबित है, क्योंकि मामले में तीन लोगों को भी हिरासत में लिया गया है और मामले में 15 लोगों को कराया गया अलग अलग अस्पतालों में भर्ती, क्योंकि शराब कांड के बाद गांव में मची चीख पुकार को लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि शराब और आबकारी विभाग की साठगांठ से बेची जा रही थी शराब। जिसमें बात करें जहरीली शराब की, तो प्रिंस इंडिया नाम का ब्रांड बेचा जाता था और माफिया कुलदीप, घटना के बाद शराब माफिया कुलदीप बताया जा रहा है, क्योंकि सिकंदराबाद जो थाना है वो, उसकी बात करें वो आपका बुलंदशहर के जनपद में आता है, और जिस गांव की घटना है वो जीतगढ़ी का मामला है। और सबसे बड़ी बात कहें, अभी जो CM उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने अभी अधिकारियों को आदेश किया है कि जितने लोग इसमें माफिया की, शराब माफिया की बात करें, जो शराब बेच रहे थे, तस्करी कर रहे थे, उनके खिलाफ रास्ता से लेके बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए, किसी भी कीमत पे उनको ना बचा जाए। और उन्होंने बुलंदशहर के बड़े बड़े अधिकारियों को कहा है कि जाकर जांच करें और किस तरीके से मौत हुई है, और इसका जो मेन ठेकेदार, जिसकी बात करें माफिया शराब जो बेचता था इस ब्लैंड की, उसके खिलाफ रास्ता से लेके जितनी बड़ी कार्रवाई हो सके और उसकी तत्काल प्रभाव से उसकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन मैं दया बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही की बात करें, कुछ दिन पहले फिरोजाबाद में 3 लोगों की मौत हुई थी शराब पी के, उसमें DO जो जिला आबकारी अधिकारी है उसको वहां से हटा दिया गया था, इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया था। अब देखना होगा। अच्छा, राजू ये बताइए, क्योंकि जीतगढ़ी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, इस मामले में थाना प्रभारी, हल्का इंचार्ज और चौकी प्रभारी जिन्हें निलंबित किया गया है, चार लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से होती है, यानी कि लंबे समय से यहाँ पर ये पूरा खेल चल रहा था और उसके बावजूद कार्रवाई ना किया जाना वाकई में सवाल खड़े करता है। बिल्कुल जया, बहुत अच्छी बात की आपने। जिस तरीके से देखा जाए, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से चार लोगों की मौत हुई है और 15 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं शराब पी के, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। लेकिन इस गांव में सालों से ये कारोबार चल रहा था, पुलिस अधिकारियों की मिली भगत रहती है, वो जहां देखा जाए आबकारी अधिकारी होते हैं, किसी भी शराब के ठेके पे जाएंगे तो 90% उनके पास में अच्छी शराब मिलती है, बाकी 10% बनी हुई शराब मिलती है, वो सब बेची जाती है, क्योंकि ये शराब का जो कारोबार है इसमें हर अधिकारी को, आबकारी विभाग से लेके पुलिस के अधिकारियों को पैसा चाहिए। अगर 1 नंबर की शराब बिकती है तो उसमें पैसा उन अधिकारियों को नहीं मिलता। राजू, अभी इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, जो माफिया है कुलदीप फरार हो गया, इसे पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? दूसरी तरफ सवाल एक ये भी है, जो तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है, कौन लोग हैं, इनसे पूछताछ में अभी तक क्या कुछ खुलासा हो पाया है? बिल्कुल जया, सही कहा आपने। जिस तरीके से देखा जाए, वहां की बात करें, संतोष कुमार सिंह SSP है बुलंदशहर के, उन्होंने कुलदीप सिंह को पकड़ने के लिए कई टीम गठित की गई है, और जो 3 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है वो शराब बनाते थे और शराब बेचा करते थे, क्योंकि वो गांव में भट्टियां चलाते थे, शराब बना के ब्रांड बनाते थे और ब्रांड बना के हर कंपनी का नाम दे दिया करते थे। पर जिस नाम की अगर बात करें, जो जिस तरीके से वो बेच रहे थे शराब को,
ये बहुत अलग तरीके से बेच रहे थे, सब कुछ पुलिस की मिली भगत रहती है। अब देखना होगा सीएम योगी आदित्यनाथ के जो आदेश किए हैं कि जिस तरीके से रासका की कार्रवाई और कुलदीप सिंह को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और जो तीन लोग हैं उनपे भी रासका लगाई जाए जो शराब बनाते थे और बेचते थे। अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ के फरमानों का कितना जनता पर और कितना अधिकारियों पर असर पड़ेगा, ये तो कहना अभी संभव नहीं है। लेकिन देखा जाए ये मामला ठंडे बस्ते में डाला जाएगा या इस पे कार्रवाई होगी। लेकिन बेहद गंभीर मामला है राजू, जहरीली शराब से चार लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि कार्रवाई की गई है एसएसपी की तरफ से, जो दोषी पुलिसकर्मी है, थाना प्रभारी, हल्का इंचार्ज, चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और तीन लोगों को हिरासत में इस मामले में लिया गया है जिनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।